बिग वॉल के जरिए इस बारे में और जानकारी देते हैं, फिर अपने गेस्ट के पास चलते हैं। बहुत अच्छे गेस्ट थे, देखिए जीडी बख्शी साहब और कपिल कुमार साहब, इन दोनों से अच्छा आपको कोई नहीं बता सकता कि इन टेरर आउटफिट्स के बारे में जो पाकिस्तान में चल रहे हैं। लेकिन जल्दी से आप रऊफ अज़हर के बारे में समझिए। ये टेरर एट बालाकोट फर्स्ट लुक, ये मूवी मैं बता रहा था ना, टेरर पाकिस्तान सरकार स्पॉन्सर्ड मूवी, आप देखिए उसका फर्स्ट लुक आपके सामने हम लेकर आए। कौन है इसके निर्माता? इमरान खान है, सरकार है वहां की। निर्देशक डायरेक्टर कौन है? आईएसआई मसूद अजहर, ये इसके डायरेक्टर हैं। और कौन है एक्टर आपके सामने? ये है रऊफ अजहर, और इसी के साथ जिसने इसको चुना है जुबेर, ये दोनों इसके मेन लेडी एक्टर हैं। मसूद अजहर के भाई रऊफ अजहर की देखरेख में चल रहा है बालाकोट का कैंप, जानकारी नंबर वन। अगली जानकारी, रऊफ अजहर ने ही जुबेर को बालाकोट टेरर कैंप का कमांडर बनाया है। जुबेर पर क्या जिम्मेदारी है? अब देखिए, जुबेर पर आतंकियों को ट्रेनिंग और भारत के खिलाफ जहर भरने की जिम्मेदारी है। माइंड वॉश करो वहां के यूथ का, उनको ट्रेनिंग दो, उनको भारत में भेजो और जो करवा सकते हो उनसे करवाओ। जुबेर अफगानिस्तान में नाटो फोर्सेस पर कई अटैक का मास्टरमाइंड रहा है, यानी आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक शख्स है ये। नाटो फोर्सेस पर यह हमला करने की साजिश रच चुका है। और इसके बाद नेक्स्ट दिखाइए, बालाकोट के नए कंट्रोल रूम में आतंकियों को सैटेलाइट कम्युनिकेशन की भी ट्रेनिंग दी जा रही है, यानी टेक्नोलॉजिकली इनको एडवांस किया जा रहा है। और उसके बाद आगे देखिए क्या यहां पर इसकी जानकारी है, नए कंट्रोल रूम में एयर स्ट्राइक से बचने के लिए एयर सर्विलांस सिस्टम भी लगाए गए हैं। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब हम आपको कुछ जानकारी दें उसके बाद समझाते हैं। देखिए फरवरी 2019 हम सबको याद है, बालाकोट जब सब कुछ ध्वस्त होने के बाद पाकिस्तान घुटनों पर आ गया लेकिन अपनी फितरत से बाज नहीं आया। दुश्मन मुल्क फिर से आतंकी कैंप को एक्टिव करने की मुहिम चला रहा है, तो चलिए उन्हें याद दिला देते हैं कि आखिर बालाकोट में हमने किया क्या था, क्योंकि इतिहास याद रखना बहुत जरूरी है, उसी पर आपकी भविष्य की नींव टिकी हुई है। और भूल गए अगर बालाकोट तो इस बार पड़ेगी बड़ी चोट। क्यों कह रहे हैं हम जरा समझिए, 26 फरवरी 2019 को एलओसी पार कर बालाकोट में भारत ने एयर स्ट्राइक की थी। किस पर की थी? मिलिट्री आउटफिट्स पर नहीं, टेरर आउटफिट्स पर। एयरफोर्स ने जैश ए मोहम्मद के आतंकी कैंपों पर बम बरसाए थे और अंबाला मिले जो एयरबेस है वहां से 12 मिराज 2000 जो लड़ाकू विमान थे वो वहां से एयरबॉर्न हुए, वहां से उड़े। और फिर उस हमले में जैश के दर्जनों करीब दर्जनों कैंप तबाह किए गए और 200 से 300 आतंकियों को ठिकाने लगा दिया। भारत ने पुलवामा का बदला ले लिया, 12 दिन के भीतर भारत ने जवानों की शहादत का बदला ले लिया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।